मैम रीना जी, यू वांटेड टू काउंटर केके शर्मा, वन वर्सेस वन ऑन ऐश्वर्या जी. मैम अगर ऐश्वर्या जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि वो जीतने वाले हैं, 400 पार आने वाली है, तो बाकी पार्टियों का कूड़ा करकट भ्रष्ट लोगों को क्यों अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं? अगर कोई कॉन्फिडेंट होगा तो वो और पार्टियों के भ्रष्ट लोगों को क्यों ज्वाइन करवाएगा? ऐश्वर्या जी एक छोटा सा मैं प्ले करूंगी. एनसीपी की बात करूं, आपने भी सीख लिया तो आ रहा हूं के जी. शहजाद ने ऐसी आदत डाली है सबको. 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है महाराष्ट्र स्टेट. ये शहजाद की टेक्निक है, सबने ले ली, सारी पार्टीज ने उठा लिया. महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला. केके जी अब आपके पार्टी के नेता की टेक्निक उठा के आप ही पे वार कर रहे हैं. ओके पॉइंट टेक. आप देखिए ऐश्वर्या जी, ये सारे के सारे जो थे, सारे के सारे केके शर्मा जी की पार्टी में आ गए. दिवालियापन पे हंसी मुझे ये आती है. मुझे बड़ा दुख होता है, अपने तथ्य नहीं, मुझे बड़ा दुख होता है, अपने तथ्य नहीं है इन लोग के पास. ये सारे कूड़ा करकट जिनको बता रही हैं, यही शरद पवार उस समय कूड़ा करकट थे. शर्मा जी जैसे शरद पवार सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, मनमोहन सिंह सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, यही यही चीज. एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी. एक एक करके, एक एक करके, केके जी एक एक करके, केके जी शर्मा जी, केके जी बीना जी, एक एक करके. मेरा टाइम कंप्लीट. बोलिए 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 मैम, बोलिए बोलिए बोलिए. 30 seconds. मृत्युंजय जी आ रहा हूँ, बराबर का टाइम मिलेगा, टेंशन नहीं. हाँ बोलिए रीना, आनंद दादा आ रहा हूँ वापस. बोलिए मैम, 30 seconds बाद है कि शर्मा जी जैसे सीनियर कार्यकर्ता टेबल कुर्सी लगाने में लगे रहते हैं और दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, राज्यसभा, फलाना जी की बड़ी चिंता है आपका, मंत्री वो बन जाते हैं अपने. अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आप क्यों और पार्टियों के लोगों पे ईडी की रेड डलवा रहे हैं, सीबीआई की रेड डलवा रहे हैं, उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, किसी को राज्यसभा. ओके पॉइंट टेकन. नाउ यू आर रिपीटिंग. लोगों को कॉन्फिडेंटली उतार. नाउ यू आर रिपीटिंग. नाउ यू आर रिपीटिंग रीना जी. क्विक इंटरजेक्शन बीजेपी और फिर मृत्युंजय तिवारी एंड दुष्यंत नागर जी. बोलिए केके जी. मुझे आश्चर्य, मुझे आश्चर्य है ऐश्वर्या जी. हाँ, आपको तो जंतर मंतर याद होगा. बिल्कुल याद है साहब, है ना. और इस यही केजरीवाल भी याद होगा. हाँ, ये चिल्ला के पेटी भर के ले जाते थे, कहते थे कि ये देखिए शरद पवार सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी. हाँ, सोनिया गांधी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी, राहुल गांधी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, लालू यादव सजायाफ्ता सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी. आज कंधे मिल रहे, आज कंधे मिला रहे हो, आज जो है कंधे मिला रहे हो. नेचुरली करप्ट पार्टी किसने बोला था? सुनिए, आज कंधा मिला के खड़े होके भ्रष्टाचारियों के संरक्षण कर रहे हैं. वाटर क्या यही अरविंद केजरीवाल, ये बैठ के जंतर मंतर में. अब मुझे तो बोलने दीजिए रेड्डी ब्रदर्स. मैं बोल रहा हूँ रीना जी प्लीज मैम प्लीज. हाँ बोलिए केके जी, अपनी बात पूरी कीजिए. मृत्युंजय जी आ रहा हूँ उसके बाद सीधा आपके पास. 30 seconds केके शर्मा जी. मैं ये कह रहा हूँ इनके जो ये जो अरविंद केजरीवाल, ये जो 25 लोगों की लिस्ट लेके घूमते थे देश भर के, उसमें भाजपा का कोई नेता नहीं था, एक नाम नहीं था भाजपा के नेताओं का. उसमें शरद पवार से लेके ममता बनर्जी से लेके सबका नाम चिल्लाते थे अरविंद केजरीवाल. और इस लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने के लिए जो कहते थे कि नहीं मैंने नहीं मिलाया, जबरदस्ती लालू प्रसाद यादव ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये सफाई देते थे. okay. केजरीवाल. और आज सबसे बड़े, उन सबसे बड़े ज्यादा घोटालेबाज बन के जेल के अंदर. चलिए मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय तिवारी. ओके ठीक भाई, जनता डिसाइड करेगी. ओके वो केजरीवाल आज सबके साथ गले तो मिल रहा है, आप पे खुद जेल चले. ओके 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 ओके. ये सिर्फ बीजेपी आपकी डिबेट नहीं है. आई नो जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी डिबेट में होती है अनंत विजय जी, ये बाकी सारी पार्टियों को ओवरशैडो कर लेते. जैसे अरविंद केजरीवाल ऑपोजिशन में सबको ओवरशैडो करना चाहते थे, आम आदमी पार्टी डिबेट में कर लेते. लेकिन अनंत जी मैं आ रहा हूं, मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी, लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरह से कमान तेजस्वी यादव को दे चुके. आप मुझे बताइए, स्टेट में आप टक्कर ले नहीं पा रहे, आपको कैसे लगता है मृत्युंजय जी कि एक अल्टरनेटिव आप तैयार कर पा रहे हैं मोदी और शाह के खिलाफ? मोदी को टक्कर कैसे दीजिएगा? मैं एक राजनेता के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ,
राजनेता आप भी हैं, जनता के बीच आप भी जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं। आप मुझे बताएं, आप एक नेता की पॉपुलैरिटी कैसे आंकते हैं एक इलेक्शन में? ये सब जो सर्वे वर्वे वाले लोग आते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, मनोज आते हैं, यहाँ वहाँ पहले आते थे हमारे यहाँ, अब कई लोग एंकर बन गए, कई जाके सब ड्रामा करते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कैसे आंकते हैं? जब आप जाएंगे चार लोगों से पूछेंगे, तीन बोलेंगे नहीं ये जीतेगा, ऐसे ही आंकते हैं ना? तो कहाँ टक्कर दे रहे हैं आप मोदी को, ये तो बताइए। तिवारी जी देखिए, देखिए ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो हम बता दें कि ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं, अब भ्रष्टाचार पर प्रहार क्या करेंगे जब सारे भ्रष्टाचारी ही बीजेपी के गले के हार बन चुके हैं? लो कर लो खेती। 25 लोगों में 23 लोगों पर क्या हुआ, जांच चल रही थी, सब बीजेपी में चले गए। ठीक है जी, सुन रहे हैं ना, सब वाशिंग पाउडर वाशिंग मशीन में धुल गए भाई। भ्रष्टाचार पर देश स्पष्ट जानना चाहता है कि जब तक बीजेपी में जो नहीं है वो भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है। जैसे बीजेपी में चले गए, बीजेपी के साथ हो गए, वो सारे सदाचारी हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए, परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण, जहां वोट मांगने आए जमुई में, नवादा में, वहां परिवारवाद पर प्रहार उन्होंने नहीं किया। अब ये दोहरा मापदंड कैसे चल सकता है, ये तो बताना होगा देश की जनता को। अगर भ्रष्टाचार कोई है, कोई किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो बीजेपी में चले जाए तो वो सही हो जाए, लालू जी के नेता बोल रहे हैं ये सजा मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचारी हो जाए, ये नहीं चल सकता। लालू जी के नेता बोल रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा जरूर, जनता को भी मैं कह रहा हूँ, लालू जी की पार्टी के नेता बोल रहे हैं सजा मिलनी चाहिए। वेरी गुड मृत्युंजय जी, आई लाइक इट। यस मिस्टर नागर, ओवर टू यू। लालू जी के नेता देखिए, हम क्या नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते कि जिस, लेकिन ये जवाब देना आप ही ने शुरू किया था, आप ही की पार्टी ने केस शुरू किया था, जिन लोग बोलेंगे। ठीक है तिवारी जी, देखिए आपकी बात समझ गया। बैक टू द ग्राफिक, मैं जवाब उस पर देना चाहता था एक लाइव एग्जाम्पल के भ्रष्टाचार में, कि आपने कहा मोदी वर्सेस कौन, एक मिनट मोदी दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए, एक सेकंड, 30 सेकंड जी, बोलिए बोलिए ईश्वर जी, हमको बोलने दीजिए, बोलिए ना। ये भ्रष्टाचार पर प्रहार इनको नहीं करना है। हाँ, किनको करना है? असली मुद्दे से, बेरोजगारी से, बेरोजगार नौजवानों के मुद्दे से ध्यान भटकाना है। बेरोजगारी पर प्रहार कम करेंगे, महंगाई पर प्रहार कम करेंगे, गरीबी पर प्रहार कम करेंगे, ये भुखमरी पर प्रहार कम करेंगे। पॉइंट के शर्मा जी की बात कम करेंगे। ओके पॉइंट की बात काम की, ठीक है पॉइंट टेकन। के शर्मा जी जवाब ले रहा हूँ आपसे, लेकिन एक साथ दुष्यंत जी का भी वार ले लीजिए अपने, फिर हाँ बोलिए। आपने डिबेट के शुरू में प्रश्न उठाया कि मोदी जी के सामने कौन, हमें सच में पूछा, वही मैं जवाब आपको प्लीज दीजिए। आप स्टूडियो के चंद कदम के सामने है सेक्टर 18, वहां पे है एक व्यापार मंडल, मार्केट एसोसिएशन। नहीं उससे पहले नहीं सुन लीजिए, व्यापार आप लोग क्या है बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, चार कदम पे चलने के बाद चाय वाले हैं, माय डियर सुन लीजिए, चाय वाले हैं वो, बाकी चीजें बेचने वाले, फेरी वाले, ठेले वाले, मूंगफली वाला है वो, बाहर कुछ और बेचता है, बाहर सुन तो लीजिए, बीच में झाड़ मूड़ी वाले भी हैं, लोग भी हैं, रिक्शा वो जो होती है वो बैटरी वाली ई रिक्शा चलाने वाले मिलेंगे, सबसे पूछते हुए जाना, सबसे पूछते हुए जाना, पता लग जाएगा कौन है। वो तो हमारे ही है, बोलो सीधा व्यापार मंडल में मत पहुंचा, व्यापार मंडल ये सीधा मंडल मंडल पे मत पहुंचा करो, उससे पहले सड़कों लोगों से पूछा करो। सुन लीजिए, ये मंडल मंडल वाले लोग नहीं देते हैं रोड, वो तो शर्मा जी का मंडल मंडल वाले वोट नहीं देते हैं।